पीडीएस की कालाबाजारी पर नहीं लग रही लगाम, कोतवाली पुलिस ने पकड़ा पीडीएस से भरा टेम्पो। शिवपुर जिले में पीडीएस की कालाबाजारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां विगत दिनों एसडीओपी राजू रजक द्वारा जलालपुरा चौकी से पीडीएस से भरी टाटा 407 के पकड़े जाने के बाद शिवपुरी रोड शिवपुर से कोतवाली पुलिस ने पीडीएस से भरा एक टेम्पो पकड़ा है। जहां पुलिस द्वारा टेम्पो पकड़े जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबों के राशन पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों सहित गाँव में संचालित सहकारी समिति की दुकान संचालक और राशन माफियाओं की मिली भगत से आज भी पीडीएस की कालाबाजारी का धंधा खूब फल फूल रहा है। यही सब कारण रहे जहां कोतवाली पुलिस ने पीडीएस से भरा एक टेम्पो पकड़कर कोतवाली शिवपुर खड़ा कर फूड विभाग के हवाले कर दिया है, जहां फूड विभाग द्वारा माल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। अभी कल कोतवाली पुलिस ने पीडीएस की एक गाड़ी पकड़ी है, जिसमें अनुमानित बताया जा रहा है कि कुछ कट्टे पीडीएस के थे। क्या मामला था और क्या कार्यवाही अपने विभाग की ओर से की गई? कल टीआई साहब का मुझको फ़ोन आया था, उनके द्वारा एक अवैध परिवहन करते हुए उसमें चावल पाया गया था, तो उन्होंने हमें पत्र दिया है उसकी सैम्पलिंग करने के लिए कि कहीं वो पीडीएस का तो नहीं है। तो उसकी सैम्पलिंग कल हमने कर ली है और जांच के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को दे दिया है। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।